यूपी के मुख्यमंत्री योगी की हनक इतनी ज्यादा है कि अपराधी उनके डर से ही जमानत भी नहीं ले रहे हैं और दूसरे राज्यों के जेल में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। देश में इस वक्त गैर बीजेपी शासित राज्यों को माफियाओं और गुंडाराज का गढ़ बनाया जा रहा है, या यूं कहें तो उन्हें पोषित किया जा रहा है। कुख्यात अपराधी और राजनेता मुख्तार अंसारी का मामला सरकार के लिए एक कांटा साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार कई वर्षों से अंसारी जो कि सपा और बसपा का सदस्य रहा है और हत्या, जबरन वसूली, अवैध भूमि हड़पने सहित कई अपराधों में आरोपी है। हालांकि बावजूद इसके वह लंबे समय तक सजा से बचने में कामयाब रहा। पूर्व गैंगस्टर से उत्तर प्रदेश के नेता बने मुख्तार अंसारी पंजाब में सुर्खियां बटोर रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार पिछली कांग्रेस सरकार पर अंसारी को 5 सितारा प्रवास की व्यवस्था पंजाब की रोपड़ जेल में मुहैया कराने का आरोप लगा रही है, जहां उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार पूर्व प्रशासन के द्वारा अंसारी के लिए किए गए कार्यों को बाहर लाने की कोशिश कर रही है, जो उस वक्त मुख्तार अंसारी के पंजाब ट्रांजिट रिमांड और बाद में कैद के लिए जिम्मेदार है। पिछले कांग्रेस शासन के दौरान जनवरी 2019 से अप्रैल 2021 तक अंसारी लगभग 2 साल से अधिक समय तक रोपड़ में कैद था। 22 जनवरी 2019 को उन्हें मोहाली में एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले जाया गया था। वह एक आपराधिक विषय था, जो कि साजिश और जबरन वसूली की शिकायत के बाद आईपीसी की धारा 386 और 506 के तहत दर्ज की गई थी। रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी के 2 साल के दौरान 48 प्रोडक्शन वारंट जारी किए गए, फिर भी पंजाब पुलिस ने उनकी हिरासत यूपी पुलिस को हस्तांतरित नहीं की। अंसारी के रोपड़ के रिमांड को बरकरार रखा, जिसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की। मैं बता दूं कि शीर्ष अदालत के दिशा निर्देश पर अंसारी को अप्रैल 2021 में वापस यूपी के जेल भेजा गया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब के जेल मंत्री हरजोत बैंस ने इस मामले पर एक जांच बिठा दी। एडीजीपी आरएन डोके को जांच का जिम्मा सौंपा गया था। डोके के आरोप के अनुसार मुख्तार अंसारी को जेल में 5 सितारा जैसी देखभाल मिली और साथ ही कुछ जेल के कर्मचारी भी उनका इसमें हाथ बटाते थे। कुछ मामलों में नामजद होने के बाद उनके 2 सहायक भी इसी जेल में थे। रोचक बात यह है कि 2 साल जेल में बिताने के बाद भी मुख्तार अपनी जमानत याचिका दायर नहीं की। इसके बाद मान ने घोषणा की कि सरकार के पक्ष को कोर्ट में रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की 55 लाख रुपए की कानूनी फीस का भुगतान नहीं किया जाएगा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने इस समस्या को प्रकाश में लाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि शुल्क का भुगतान करने के लिए करदाताओं के धन का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस पर मान ने कहा कि वह विचार कर रहे हैं। बता दें कि कई भ्रष्टाचार घोटालों में शामिल कांग्रेस और उनके नेता भी इसके जनक हैं। मुख्तार अंसारी के मामले से साबित होता है कि यही कांग्रेस हर बुराई की जड़ है, जिसका यह देश सामना कर रहा है। भारत में अपराध और राजनीति के बीच संबंध का एक लंबा इतिहास रहा है। हालांकि हाल ही में यह अब जनता के ध्यान में आ रहा है। अपराधी के राजनेताओं और नौकरशाहों की मदद से हो रहे उदय को एनएन बोहरा समिति द्वारा देखा जाता था, जिसे स्थापित किया गया था अपराध और राजनीति के बीच संबंधों की जांच करने के लिए। लेकिन इस समिति के कमजोर होने पर नाराजगी जताई गई। गृह मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को गुप्त रखा है और इसे कभी संसद में पेश नहीं किया था। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती 15 अगस्त 1947 के अवसर पर संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने कहा था कि अवसरवाद और मूल्यहीन शक्ति राजनीति ने सिद्धांतों और आदर्शवाद का स्थान लोगों, समूहों और पार्टियों के बीच के संबंधों के बीच ले लिया है और भ्रष्टाचार हमारी राजनीति और हमारे समाज की जड़ों को नष्ट कर रहा है। भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातियों और राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ लड़ाई में हमें सबसे आगे होना होगा। अंत में मैं यही बताना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी का मामला राजनीति की जटिल और धुंधली दुनिया को उजागर करता है और भारत में अपराध को बढ़ावा देता है।
पंजाब सरकार ने अंसारी को यूपी से दूर रखने के लिए उनके खिलाफ फर्जी प्राथमिक दर्ज करने का फैसला किया, जो इस वक्त भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रतिबिंब है। आज के लिए बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।